जिंदा और मुयस्सर और लात तब्दील कलाम के लिए जोर देता है, क्योंकि ये लात तब्दील है, ये बदलता नहीं बल्कि बदल देता है, और इसका एहतराम इसकी इज्जत हमारे दिल में अपने सब अजीजों से अपने सब कामों से बढ़कर होनी चाहिए। आमीन आमीन। आज जो मैं बात करूंगा वो कुछ बैंकिंग की बात करूं, टॉपिक नहीं बता रहा, कुछ नॉलेज आपका चेक करो कि क्या है, कुछ मिल के सीखेंगे। कितने लोग बैंक को इस्तेमाल करते हैं, मैं हाथ देख सकता हूं, ये आपके सामने एक नेशनल बैंक है, किस किस का नेशनल बैंक में अकाउंट है? अच्छा है, अच्छा इंटरेस्ट देते हैं, अच्छा कहते हैं, अच्छा इंटरेस्ट देते हैं। यूपीएल में किस किस का अकाउंट है? एक सिस्टर बैठ पीछे बैठी है जी, अच्छा है। पंजाब बैंक में इसका है? नहीं, बहुत अच्छा है ये भी। सिटी बैंक द बेस्ट बैंक, बहुत अच्छा बैंक है पूरी दुनिया में इंटरनेशनली, किसी का है अकाउंट? ये भी अच्छा इंटरेस्ट है। अलाइड बैंक में ये भी अच्छा है, अल्फलाद भी अच्छा है, दो बंदे हैं, वाह अच्छा इंटरेस्ट देते हैं रशु। बट मुझे जो पसंद है वो एचपीएल, पास्टर काशिफ को भी पसंद है, उनका भी अकाउंट वहां पे, और मुझे भी पसंद है क्योंकि ये सब बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट देता है, ज्यादा मुनाफा देता है और ज्यादा महफूज है। कौन सा बना? एचपीएल। कौन सा? एचपीएल। और हबीब बैंक जी एचपीएल, यानी हबीब बैंक लिमिटेड, ये क्या करते हैं सबसे ज्यादा, क्या करते हैं? लेकिन ना ये हबीब बैंक है ना ये एचपीएल हबीब बैंक नहीं है, ये मैं आज बैंक आपको बाइबल में से बताऊंगा ये कौन सा बैंक है। एचपीएल कौन सा बैंक है? आइए देखते हैं। ये है, आपके सामने आ गया होगा, एच स्टैंड्स फॉर हेमंड्स और बी स्टैंड्स फॉर बैंक एंड एल स्टैंड फॉर लिमिटेड, हेमंड्स लिमिटेड, हेमंड्स बैंक ऑफ लिमिटेड। किस किस को पसंद आ रहा है? चौंक करके बैठे। आज जो बात कर गया आसमानी बैंक के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? आसमानी बैंक के बारे में बात करेंगे, यानी हेवंस बैंक ऑफ लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। किस किस को समझ आई अभी तक? आज किसके बारे में बात करेंगे आप? हेवंस। कौन कौन सीखेगा? आए देखते हैं ये हेवंस बैंक है क्या और इसमें कैसे हम कैश डिपॉजिट करा के ज्यादा इंटरेस्ट हासिल कर सकते हैं। मत्ती रसूल की बात पर लिखी गया जी, उसका 19वां बाब और 21वीं आयत, सॉरी 6वां बाब है 19 और 21 आयत तक है, मुझे जरा ये दूर पढ़ रहे जी, यहाँ पे लिखा है 19वीं आयत में, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा और जंग खराब करता है और जहां चोर नकब लगाते और चुराते। अपने लिए माल कहां पे जमा ना करो? जमीन पर। क्या होता है? कीड़ा लगता है, जंग लग जाता है, चोर चुरा के ले जाते हैं, पता लग गया जी उसे बैंक लुटिया गया, सारे पैसे कट के लगो दिल हार लिया, साढ़े तो नहीं निकल
तो इस जमीनी बैंक क्या होते हो जाते हैं, लुट जाते हैं, चोर ले जाते हैं, जंग लग जाता है, कीड़ा खराब करता है। और फिर आगे लिखा है 20वीं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहां ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग, ना वहां चोर नकब लगाते और चुराते। अब पता चला अपने लिए माल कहां पे जमा करना है, आसमान पर, जो अच्छा खजाना है, जो अच्छा बैंक है, यहां पे जब हम जमा करेंगे, यहां पे भी हम इसकी बरकत को हासिल करेंगे और इससे दुगना एचपीएल में, हेवंस बैंक में, कहां पे जाके, आसमान पर जाके हमें ये फायदा देंगे। तो कहां पे जमा करना है, जमीन पर, आसमान पर जमा करना है, क्योंकि लिखा है बल्कि वहां क्या नहीं करता, अपना माल कहां पे जमा करो, आसमान पर, वहां क्या नहीं करता, कीड़ा खराब नहीं करता, चोर नकब नहीं लगाता और चुराता नहीं। तो कहां पे कर रहे, और फिर आगे बड़ी खूबसूरत बात इक्कीसवीं आयत में लगी जाती है, ऐ बड़ा दिल लगा देते सानू अपनी दौलत, और लिखे है क्योंकि जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी, जिथे माल हो उत्थे दिल लगता है ना, है जहां पे माल हो दिल लगता है, तो ये सुनल क्यों नहीं लगता। तो फिर जमा कहां पे करना है, हेवंस बैंक में, आसमानी बैंक में जमा करना है, जहां पे क्या नहीं होता, आमीन। और जरूरत इस बात की है कि हम अपने उस बैंक में जमा करें जिसका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, जिसका मुनाफा सबसे ज्यादा है, जमीन पर भी उसकी बरकत है और उसके बाद जाने के बाद भी वो क्या है, बरकत है, उससे दुगना हमें मिले। फिर इसमें अब देखना है कि कैसे हम पैसा हेमस बैंक में जमा कर सकते हैं। अब बैंक में अकाउंट खोल लिया आपने, खोल लिया फिर शरायत है, तो क्या है, पहली हेमस बैंक में हम पैसा कैसे जमा कर सकते हैं, क्या क्या तरीके जी। नंबर वन तरीका है आप ईमानदारी से अपनी दाई की जमा करवाने से, दूसरा अपना हदिया और पहला फल हैकल में लाओ, यानी चर्च में लाओ, गिरजाघर में लाओ। नंबर तीन, गरीब और जरूरतमंद की क्या करो, मदद करो। अब इन तीन पॉइंट्स को देखेंगे, ये हेवंस बैंक में, आसमानी बैंक में पैसा जमा करवाने के लिए सबसे बेहतरीन तीन तरीके हैं, जिससे हमारा इंटरेस्ट, हमारा फायदा होता है, हमारा फायदा क्या, फायदे से बढ़कर फायदा होता है, और इस जमाने में भी और आने वाले जमाने, ये बैंक दोनों जमानों में क्या कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है, बरकत देता है जी। नंबर वन, ईमानदारी से अपने दाई की जमा करवाने से, सवाल है क्यों ऐसा करना जरूरी है, क्यों जी, बरकत के लिए, आमीन। इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, बात पे क्या है, इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। आए देखते हैं मलाकी उसका तीसरा बाब 10वीं से 11वीं है, यहां पे लिखा है पूरी दाई यकीन जखीरा खाना में लाओ, ताकि मेरे घर में खुराक हो, और इसी से मेरा इम्तिहान करो, जब उनबार फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचे खोल कर बरकत बरसाता हूं के नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास इसके लिए जगह ना रहे। अब यहां पे बड़ी खूबसूरत बात है कि अपनी पूरी दाई की कहां पे लाओ, ये नंबर वन तरीका है, अपनी पूरी दाई की कहां पे लाओ, चर्च में लाओ, पूरी दाई की जहीरा खाने में लाओ, ताकि मेरे घर में क्या हो, खुराक हो, और इससे मेरा क्या करो, कौन फरमाता है, कई दफा इंसान किसी नो जमाने असि इनू जमा के तो देखिए बड़ा की साडा काम करता है कि नहीं करता। अगर हम इंसान को अजमाते तो खुदा को क्यों नहीं अजमाते, वो खुदा ने खुद कहा है मुझे अजमा कर देखो, कौन फरमाता है, रब्बुल बात फरमाता है कि मुझे आजमा कर देखो, और मैं तुम पर क्या खोलूंगा, तरीचा, तरीचा, तरीचों को खोलेगा और फिर बरकत बरसाएगा, थोड़ी भी नहीं, थोड़े जो सोच देते चलो जो,
थोड़ी सी बरकत नहीं, ज्यादा वाली बरकत। बरकत बरसाएगा आसमान के तरीके खोलकर क्या करेगा, बरकत को बरसाएगा। और यहां तक कि तुम्हारे पास क्या ना होगी रखने के लिए, तो कहां पे जमा करवाना चाहिए। आमीन। फिर नीचे जो है लिखा है, फिर और मैं तुम्हारी खातिर किसको डांटूंगा, दीदी को डांटूंगा, और तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी, और तुम्हारे ताकिस्तानों का फल कच्चा ना चढ़ जाए। कौन फरमाता है? रब्बुल फवाज फरमाता है। तो कई दफा कहने पर सब बड़ा कमाने दुआ करो, कमाई छिप बरकत नहीं, कमाई छिप बरकत नहीं भाई, इतना होते नहीं उतना पहुंच जाते। तो कहता है मैं तुम्हारे लिए अगर तुम मुझे आजमाओगे, जखीरा खाना में लाओगे, तो मैं तुम्हारी खातर किसको डांटूंगा, तुम्हारा फल कच्चा। तो जब ये कच्चा करना है, जब क्या इतना होते नहीं उतना ही बस तनहा आता के पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम फेथफुल नहीं है टाइट जमा कराने में। हमने जो प्रॉमिस हमें खुदा की तरफ से हुक्म दिया गया है, हम उसको फॉलो नहीं करते। इब्राहिम ने किया ऐसा, किस किसने पासक का पासक पर साहब ने जब लास्ट मैसेज किया था 2 महीने पहले, डिटेल से सुनो, सुना नहीं नहीं नए की वाला कुछ कंपनी वाला कुछ थोड़ी आगे आगे पीछे जाओ, नए की वाला किस किसने सुना बड़ी डिटेल से। हमने मैं नहीं आया था लेकिन मैंने यूट्यूब पे सुना उसको बड़ी डिटेल से। इब्राहिम ने किया, यकूब ने किया, और रसूल के दिनों में ऐसा होता था। और फिर अब जो बरकत पाना चाहते हैं ज़मीनी लोग आज भी वो करते हैं, बड़े बड़े लोग ऐसा करते हैं, हम भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी टाइम को अपनी नई को रोकते नहीं बल्कि कंटिन्यू देते हैं हर तरह से, वो जो मर्जी हो जब वो अपनी दही की देते। आज भी बहुत सारे लोग दही की देते। फिर ये दही की जो है खुदा के कलाम को उसकी खुशखबरी को और अंजील को फैलाने का सफर दिया। ये पैसा आपका, आप खिदमत कर रहे इस दही की से, क्या कर रहे आप, लोग आपकी दही की से कलाम सुनते हैं, पास्टर जो है आपके लिए बेहतर इंतजाम करते हैं, कायन आपके लिए कलाम को फैलाने का क्या बनते हैं, सब बनते हैं इसको इस्तेमाल करके। और फिर आप भी बरकत पा रहे इससे, खाली पास्टर्स नहीं पा रहे, खाली चर्च नहीं पा रहा, बल्कि आप कलीसिया भी क्या कर रहे हैं, बरकत पा रहे। फिर ये इस्तेमाल के लिए पास्टर के लिए, कायन के लिए, हैकर के लिए। फिर तो दूसरी बात है दाई की खुदा की नजर में क्या है, बाइबल में कुछ ऐसी चीजें जो पाक है खुदा की नजर, बहुत सारी उसमें से एक दही की भी पाक है, सात चीजें पाक है, लेकिन एक उसमें दही की भी है, दही की भी पाक है। और देखिए जब इसका अहबार 22वां बाब और उसकी 30 आयत, तो यहां पे कुछ यूं लिखा है, और जमीन की पैदावार की सारी दही की जमीन के बीज की या दरख्त के फल की हो, खुदावन की है और खुदावन के लिए, जो चीज खुदावन के लिए पाक है तो फिर हम कैसे उसको नहीं कर सकते। सात चीजें मैंने बोले कलाम में लिखा है पाक है, उसमें से दही की भी एक है जो खुदावन की नजर में क्या है, पाक है। तो इसको पाक जानना है। फिर जमीन की पैदा जब हम दही की देते हैं, खा वो बीज की दरख्त की या कैसी भी, आज हम कहेंगे साढ़ा करे बाग ले लो फिर सेब लग ले, लेकिन वो जिस खेत पे हम काम करते हैं ड्यूटी करते हैं वो बड़ा खेत है, वो खुदा की तरफ से आपकी ब्लेसिंग है, बरकत है, तो हम उसमें से दे रहे हैं। और जमीन की पैदावार से खा वो जमीन की हो या दरख्त के फल की, किसकी है, किसकी है, तो फिर अपने को रखी रख ले, है खुदावन भी है, खुदावन भी है, और रख किसने छोड़ी है, तो बाहर के रख चाहते हैं चले अपनी दौड़ा ले लूं तो दो, हम ये तो करो वो तो करो, लेकिन किसकी है, खुदावन की। फल भी पैदा उसने है, सारी बीज और पैदावार जमीन की, फल किसने,
का है, खुदावंत का है, क्योंकि खुदावंत के लिए दायित्व क्या है? पाप है। आमीन। फिर हेवंस बैंक में खुदावंत मसीह ने हमें दायित्व देने की तलीम दी, खुदावंत यीशु मसीह ने तलीम दी हमें दी। आइए देखते हैं मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 23वां बाब उसकी 23वीं आयत लिखा है, आए रियाकारों फकीरों और फरीसियों तुम पर अफसोस। तुम पर क्या? पहली बात शुरू करते हैं खुदावे यीशु मसीह, ये खुदावे यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम पर क्या है कि पुदीने और सौंफ और जीरा पर तो दही की देते हो पर तुम नेशरियत की ज्यादा भारी बात तो यानी इंसाफ और नहम और ईमान को छोड़ दिया। लाजम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। अब यहाँ पे तलीम मिलती क्योंकि ये टाइप बड़ी फेथफुली से देते थे, ईमानदारी से अपनी दाई की ये लोग देते थे और यीशु मसीह को पता था ये दाई की देते हैं और खुदा यीशु मसीह ने जो वो नहीं करते थे उनके बारे में कहा दाई क्यों देते हो, मना नहीं किया, मना नहीं किया, ये तो देते हो दाई की देते हो लेकिन इंसाफ नहीं रखते अपने अंदर, रहम नहीं रखते, ईमान नहीं रखते। काश कि तुम क्या करते, लाजम था कि दाई की भी देते मतलब शरीयत पर भी अमल करते हो और दाई की देते हो शरीयत पर अमल नहीं करते, कहता दाई की पहुंचा देने टाइम तक पर चर्च नहीं आते, भाई साहब को पढ़ा दिता पापा तो फायदा, तो बैंक जाते हैं तो पता नहीं प्रॉपर जब आप टाइम दे रहे तो चर्च भी आ रहे और यहाँ पे लाजम था वो भी करते और यही बात फिर आगे जाकर लुका रसूल ने भी इसी बात को खुदा हुए यीशु मसीह की तलीम को दोबारा दिलाया, कंफर्म होगी बात। मत्ती रसूल ने यहाँ पे लिखा तो यीशु ने फरमाया था, फिर आगे लुका रसूल ने इसके बारे में फरमाया लुका उसका क्या बाप और उसकी वर्ष 45 नंबर वर्ष आयत जो है उसमें बताया लेकिन आयत किसी और लेकिन लिखने में बड़ा सा क्योंकि जो राइटर होता है थे दोनों यीशु मसीह के साथ ही क्योंकि वो शिगिर्द थे तो यीशु मसीह के साथ ही रहते थे लेकिन जब राइटर्स होते हैं उनका अपना माइंड होता है लिखने का, अपना तरीका होता है लिखने का, यहाँ पे थोड़ा सा तरसे बयान आके होते हैं जी यीशु बाजी ने कहा तरसे बयान आके यहाँ पे बात वही की है जो यीशु मसीह ने की और मत्ती रसूल ने सुनी और लुका रसूल ने सुनी लेकिन दोनों ने थोड़ा अपने हिसाब से लिखे। यहाँ पे लिखा है प्रीशियर तो अफसोस बात एक ही लिखी दोनों में से एक ही लिखी है और पुदीने और सुदा और हर एक तरकारी पर दाई की देते हो इंसाफ और खुदा की मोहब्बत से बात तो रहते हो। लाजम था कि ये भी करते हो वो भी करते हो ना छोड़ते। अब बात वही है आखिरी बात जो की है उसी पे की है, मफहूम वही है, मतलब वही है, बात उस पे की है। लाजम था कि ये भी करते और वो भी ना दाई की भी देते खुदा की मोहब्बत भी अपने अंदर रखते और अगर तरकारी में सब्जी सुब्जी दे देते हो पुदीने सौंफ दे देते हो बढ़िया चीजें तो नहीं देते, छोटी छोटी चीजों पे हम कहीं ना चलो यार थोड़ी चीज दे दो जो बनते हैं खुदा का वह जमा कराए देखिए कैसी ब्लेसिंग आपको मिलती। नंबर दो पॉइंट नंबर पहला खत्म हो गया दाई की मौके मुझे ये तो सोचो दाई की दाई की आमीन समझ है आमीन साथ नहीं गया। अब नंबर दो अपने हथिया अपना हथिया और पहला फल एकल में लाओ यानी चर्च में। कैसे? खुदा ने क्या कहा है कि तुम मुझे दाई यकी में मैंने पहले भी बात की कैसे देखते है देते नहीं खुद खा जाते हैं अच्छा है बुला कि उसका तीसरा बाप और उसकी आदमी है आयत में लिखा है क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा सवालिया निशान बाइबल में भी क्या कोई आदमी इंसान तो सी ठग सकते हैं खुदा को ठग सकते हैं ते जिसने सी इंसान को ठग लिया उस अंदर सही दिता है उस अंदर सही दिता इंसान और है वो दस्य का दसा हुआ है ठग बंदा जी दी ना वो नेड़े लगे ऐसी होते और क्या खुदा को ठग
मुझ पे थकते हो। बात कहते तुम मुझको कहते हो हमने किस बात में तुझे थका। तुम्हारा को बहुत काटना जिथे हथिया देना देनी नहीं हथिये में भी हम खुदावन को क्या करते हैं। इसलिए कहते हैं कोई आदमी तो मुझे क्या करते हैं कैसे। अब जब हम हथिये नहीं लाते उसके और हमें पहले फलों में से खुदावन की क्या करनी है तजीम करना हमारे लिए जरूरी कैसे। इंसान उसका तीसरा बाग और उसकी नवीं और दसवीं आयत में लिखा है आए अपने मौत से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावन की तारीफ कर। क्या लिखा जी अपने मौत से और अपनी सारी पैदावार से पहले पैदावार के पहले फलों से किसकी तारीफ कर किसकी तारीफ। ये डायमंड बैंक का एक नियम है एक कानून है उसमें कर सकते पहले फल। अब पहले फल देखिए क्या क्या उसके पर होगा क्योंकि हम हथिये में उसको ठकते हैं हम हथिये उसको नहीं देते हम पहले फलों से उसकी तारीफ नहीं करते। पहले फल है क्या एक कहानी आपके साथ शेयर करूं एक नौजवान जवान की कहानी आपको समझने के लिए ये कहानी आपके साथ शेयर करूंगा। एक नौजवान था और बड़े वफादार था शक था जवान था और उसने जब स्टडी अपनी कंप्लीट की और जब उसको नौकरी की तलाश करता था जब उसको नौकरी मिली तो एक महीना पूरा उसने खूब दिल लगा कर अपनी नौकरी को दिया अपनी जॉब को दिया। जब उसको एक महीने बाद तनख्वाह मिली उसको सैलरी मिली तो सीधा उसने सैलरी उठाई और अपने पास बाग के पास चला गया चर्च में चला गया और जाकर ये सैलरी जो है ये जो तनख्वाह थी ये पर सबके हाथ में था। पर सब ने क्या है कि पर सब वो नौजवान कहता है कि पर सब ये मेरी पहली तनख्वाह ये मेरा पहला फल है जो मैं खुदावन के लिए देना चाहता हूँ। उसने कहा नहीं बेटा ये आपके पेरेंट्स ने इतनी मेहनत की है आपको पढ़ाने के लिए एजुकेशन के लिए बनाने के लिए तो आप तो ये अपने माँ बाप को दो क्योंकि ये उनका राइट बनता है तो आप मुझे ना दो आप किसको दो अपने माँ बाप को दो मैंने बहुत आप पर खर्चा किया है पढ़ाने के लिए। उसने कहा नहीं मैंने इंसान में सीखा है तो इसलिए मैं पहला फल खुदावन के हजूर में ले रहा हूं। आमीन। और उस पास्टर ने उस खादिम ने उसके लिए दुआ की और उसने ये जब हवाला उसने नौजवान ने पास्टर साहब के साथ शेयर किया तो पास्टर साहब ने उसको ब्लेस किया बहुत कर दिया वो चीज रखी सैलरी रखी। मेरे जवान लोगों मेरे चीजों मेरे बहन भाइयों ये है पहला फल अपने पहले फल में से उस नौजवान ने क्या की खुदावन की तारीफ की और उसने इतना पास्टर के फोर्स करने पर भी वो वापस नहीं ले गए देसी के लिए ले साडा ते बहुत अच्छा हो गया उन पे भी पुराना जो दे दी ते बड़ी मुश्किल हो ते दे दो कि नौ की मुंडा नौ की लगा तो उसने क्या की खुदावन की क्या की ताजी पहला फल उसने खुदावन के हजूर लेकर आया उसने खुदावन से क्या पाई मुझे उम्मीद है उसने खुदावन से बहुत बरकत पाई होगी। अभी जिदों से किसी ने घर जाते जब आप किसी के घर में मेहमान बन के बैठा लिया जाते बहुत प्यार है एक बंदा प्यार हो गया है बीबिया प्यार हो बंदे को लिया था जाकर और किसी के घर जाते ना फ्रूट ले क्यों किसी के घर पे खा लिया आपके जाना पसंद
हेलो क्यों आप किसी के घर में खाली आ जाना पसंद नहीं करते? अच्छा नहीं लगता, शर्म आती है, बुरा लगता है ना बंदा उनको ना खाना पका के खा लिया लुका के छोड़ दो शाहपुर होने बहुत आज मैंने एक शुक्र गुजारी की थी ऐसी बड़े ने खाना खाने आए बड़े शाहपुर आए सर मेरे का कोई भी खा लिया अपने सिया क्यों अच्छा लगता है ना इज्जत एहतराम करते हैं आपके लिए जिसके घर जाए उसके लिए कुछ बच्चों के लिए लेते मोहब्बत का इजहार है मोहब्बत का इजहार है मोहब्बत का नहीं प्यार दिखाना है ना मोहब्बत दिखानी है इसलिए जो सी खुदा ने कहा ना ने कहा लिया तो आ जाते वो तो सी नौ दो ना ले नंदन दिखा रहा नहीं तो एक कट के ले आ नहीं ऐ चंदे छुपा रहे वो मेला कचेला वो हथिया वो पत्थर लेकिन सीधा भी नहीं होगा और चुप ठीक है जब हम किसी के घर जाते हैं कोई फ्रूट डालना हो ना वो रेडी वाला और ऐ ना पाया यार साफ साफ पाए मेरी आदत है मैं करता हूँ सर किसी ने लैक कर यार प्लीज सर दो रुपए बाद ले ले साफ साफ पा आप भी खुद भी डालते हैं कह रहे आप भी पाल तो जब खुदा के घर में जाते तो कैसे जाते हैं टाइम पे भी नहीं आते तो खा लिया था ना लेकिन टाइम पे नहीं दूजा खा लिया हजरत दाऊद ने बड़ी खूबसूरत बात कही है इसके बारे में कि खाली नहीं जाना क्योंकि कुछ ना कुछ लेके जाते हैं और हम जब खुदा के घर में जाते हैं कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए हजरत दाऊद ने इसके बारे में बहुत खूबसूरत बात की है कभी पढ़ी चले पढ़ते कि खाली हाथ नहीं जाना खुदा के घर हजरत दाऊद ने कहा बड़ी खूबसूरत नसीहत की है जब खुदा के घर में आपने जाना है में जाने कैसे जाना जबूर 96 और उसकी 8वीं आयत इस तरह कुछ है खुदावन की ऐसी तमजीद करो जो इसके नाम के शया है हदीये लाओ और इसकी बारगाहों में आओ खालियत आओ उसकी तजीम भी करनी है उसकी सताइश भी करनी है जिस सताइश के काबल है जिस इज्जत के काबल है एहतराम के काबल है उसकी ऐसी ही इज्जत करनी है लेकिन इज्जत नहीं खाली करनी जो घर जाना है तो फिर इसलिए खुदा कहता है तुम मुझे हदियों में भी ठाकने खाली हथा जाने और हजरत दाऊद ने ऐसा कहा जब भी उसकी बारगाहों में जाओ खाली इकरार न करो खूब बड़ा मजा है प्रस्तिष्ठा स्टाइश बहुत अच्छी क्वायर ने बहुत अच्छा गाया वाह वाह पर सब कलाम बड़ा मैसेज भी अच्छा सी बहुत बरकत मिली लेकिन आए कि व्यू नहीं कलाम के जरिए से हमने बरकत पाई आमीन पानी भी चाहिए जब हम किसी के घर में जाते हैं तो मैंने इन 500 देने हैं 1000 देने हैं 5000 वाला के उसकी हैसियत से देते हैं जिसके घर पे जा रहे हैं है कि नहीं पैसा है कि नहीं है ना फिर नोट भी और फाफा भी नहीं गंदा होना चाहिए जो छिपा रहे हैं क्योंकि वो उससे बड़ा है या उसकी इज्जत इसी तरह जो खुदावंद की शान है जो उसकी रिस्पेक्ट है उसी तरह उसकी बारगाहों में आने और हदीये के साथ है हदीये ला नहीं ये हजरत दाऊद ने कहा आमीन ये हेवन हेवन बैंक का जो है वो क्या है तीसरा पॉइंट डिस्कस कर लेंगे गरीब और जरूरतमंद की ये तीसरा और आखिरी तरीका जो है आसमानी बैंक का वो आपके साथ शेयर कराओ कैसे इसमें कैसे हम पैसा जमा कर सकते हैं ये भी एक कानून है उस बैंक में जमा वो कानून सीखे हमने पहला कौन सा था दूसरा और पहले पर जी मिसाल उसका 19वां बाब और 17वीं आयत कहती है जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदावंद को कर्ज देता है और अपनी नेकी का बदला पाएगा कितने कितने खुदा कौन कौन खुदा को कर्ज देते हैं कौन कौन खुदा को कर्ज देते हैं अगर तो आप गरीब और यतीम की मस्कीन की मदद कर रहे हैं तो आप खुदा को कोई खुदा को कर्ज दे सकते हैं कहता पहाड़ मेरे हैं सब कुछ मेरा है तुम मुझे क्या दे सकते एक हम अपनी जो खुदा का हुक्म है उसको मान सकते अपना दिल
जो उसने रिक्वायरमेंट रखी है मालिक को, तो हम कर सकते हैं। तो ये है जो मस्कीनों पर रहम करता है, खुदावंद को क्या करता है, कर्ज देता है और अपनी नेकी का, यानी के जमा यहाँ पे करवाएगा, बोनस और इंटरेस्ट कहाँ पे जाके मिलेगा, मुनाफा कहाँ पे मिलेगा, आसमान पर, हैवर्स बैंक पर मिलेगा। तो ये भी एक खूबसूरत बात है इसमें पैसा डिपॉजिट करवाने के लिए। तो कौन कौन ऐसा करता है, अमीर है इंतजाम करेंगे, अमीर। फिर जबूर 41 और उसकी पहली आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। अगर दूसरी आयत इसकी पढ़े तो वहां पे लिखा है खुदावंद उसे महफूज रखेगा। और ये है वो बंदा मुबारक है जो गरीब पर रहम करता है, उसका ख्याल रखता है। ये भी एक डिपॉजिट करवाने का सबसे अच्छा तरीका। ये तीनों मिलेंगे तो फिर हमें ज्यादा मुनाफा मिलेगा। इनमें से एक भी बाहर रह गया ना बैंक के, डिपॉजिट ना होगा तो मिलेगा पैसा नहीं। तीनों करने बहुत जरूरी है अगर इसमें हमने ज्यादा से ज्यादा बरकत पानी, क्यों हम मुबारक होंगे। जो हम गरीबों पर रहम करते हैं वो क्या है, मुबारक है। फिर आज कारोबारी दुनिया को हम देखें, लोग हमसे सीखते हैं, क्रिश्चियन से सीखते हैं और कितना डोनेट करते हैं। और वो जिसमें बिल गेट्स का नाम सुना होगा, नौजवानों सुने कौन है अमीर शख्स है, अब तो इसका लिस्ट में नाम ही नहीं आता। उसने कहा मेरा नाम ही ना लाया करो, पहले आता था, अब उसने कहा इसको मेरा नहीं होना चाहिए इसमें लिस्ट में। और इसका मैं राज एक बताने लगी करते के, ये मेरा ज्यादा एजुकेटेड नहीं है और मेरा ख्याल है अंडर मैट्रिक है, ऐसे ही कुछ कुछ खास एजुकेशन नहीं है बंदे के। और काम किसका करता है, विंडोज का। आज हम उसकी विंडोज यूज करते हैं, इतने ऐसी 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 आज उसका बहुत बिजनेस है, वो एजुकेटेड नहीं है। लेकिन इसका पास इतना पैसा है कि अगर मैं पढ़ रहा था, अगर ये 25 साल कुछ ना कमाए, 25 साल कुछ ना कमाए, और वो उसका लिखा था कि कुछ डॉलर्स खर्च करता है डेली बेसिस पे, तो 25 साल बगैर कमाए 25 साल खा सकता अपना पैसा जितना इसके पास, और खर्चा भी काफी काफी लिखा था एक दिन का। इसका राज क्या है, ये अपनी टाइथ फेथफुली से देता है, अपनी दय की ईमानदारी से देता है, ये उसका राज है। ये कुछ भी नहीं था, कि किसान का बेटा था, गरीब किसान का बेटा था, आज उसका नाम दुनिया के अमीर लिस्ट में, अमीरों की लिस्ट में पहले नंबर पर, वो भी उसने कहा कि नहीं इसको अब। तो इसका राज है, वो टाइप देता है। आपको पता मदर टीजा का नाम किस किस से, जो वो फ्लाई काम करती थी, ये भी उनके डोनर थे, बिल गेट्स उसका डोनर था। ये है ब्लेसिंग जिसको पता है अपना दसवां हिस्सा देना, हदीये देता है, थैंक यू देता है, वो हदीया अपना देता है, गरीबों की मदद करते हैं। तीनों बैंक के जो असूल है हेवंस बैंक के, उनको तीनों को वो फॉलो करता है, ये भी देता है, हदीये भी देता है, गरीबों ये तीनों पर रहम भी करता है। फिर हमारे अब्दुल तारीदी साहब, गरीबों की मदद करते रहे ना, मस्कीनों की मदद। ये देखिए, एक हमारे मजहब वाला बंदा नहीं, लेकिन उसको पता है मैंने आखिरत है, मैंने आखिर में जाके रिवॉर्ड लेना है, मैंने बरकत पानी है ऊपर जाकर, सब कुछ काम पे जमा किया उसने, कहते ने आखिरत लिए जमा करना चाहिए, अक्सर ये लोग कहते हैं। तो उसने क्या किया, अपनी मुनाफे को तरजीह दी है, जो यहाँ पे वो खिदमत कर सकता था, कि मिस्टर कॉलगेट का नाम सुने, पता कौन, हर दिन करते हो कॉलगेट ही लेके आए हो, ये कॉलगेट मिस्टर कॉलगेट किया, जिसने इस बंदे ने घर से काम शुरू किया। और जब इसने पहली अपनी सेल की थी, उसमें से पहली टाइट भी दी थी उसने, और तब से लेकर आज तक ये करता है, और बहुत पैसा इसके पास, और भी बिजनेस है, लेकिन रेगुलर है हदीये दया की और गरीबों उसकी लोग, तीनों बैंक के असूलों को फॉलो कर। बहुत सारे ऐसे कारोबारी लोग बिजनेसमैन है, बहुत सारे, मैं नाम लूंगा, बहुत लिस्ट लंबी है, लेकिन ये चंद हैं जिनको हम
रोजमर्रा की जिंदगी में जानते हैं, कंप्यूटर की वजह से जानते हैं, वैसे ये फ्लाई ईडी की एम्बुलेंस से जानते हैं, इसलिए मैंने इनको चूज किया। फिर कॉलगर पेस रोजाना कोई ना पता है सबको। तो ये वो बंदे हैं जो अपना तीनों बैंक के तरीकों को इस्तेमाल कर रहे हैं आसमान पर जमा। यहाँ पे भी उनके पास बहुत है, ब्लेसिंग है, बरकत है, जमीन पर भी, आसमान पर, आसमान पर दुगना। और ये इन्होंने फॉलो किया हुआ है, इसलिए ब्लेस्ड है यहाँ पे भी और आसमान पर भी होंगे। फिर अब जो पौलुस रसूल ने हमें बताया कि कैसे देना है, कैसे देना है, नहीं आमदनी के हिसाब से, मैं आमदनी की बात ही नहीं कर रहा, खत्म होगी दर्जे की बात। अब जो पौलुस रसूल ने कहा है इससे, अब मैं पढ़ूंगा तो आपको हमें समझ आ जाएगी हम कैसे देते हैं। ऐसे नहीं देना जैसे पौलुस रसूल ने कहा है। दूसरा ग्रंथियों उसका नवा बाप और सातवीं आयत में कहा है, ग्रंथस के नाम प्रसुसुल का दूसरा आम का उसका नवा बाप और सातवीं आयत पे लिखा है, जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे ना देग, जिस तरह से ठहराया है दिल में उसी कदर दे देग ना कर के वरना और ना लचारी से, असी लचारी ना देने, बढ़िया मुश्किल ना लचारी से, क्योंकि खुदावंद खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। अगर अजीज बनना है तो फिर लचारी से नहीं देना, देते टाइम त्रेग नहीं करना, खुल दिल से जो आपको समझ आती है वो खुल कर दिल से दे, इसलिए लचारी से नहीं देना, त्रेग कर दे कई दफा से बहुत तरीक कर रहे हैं, जेब के गुलाब दी देते हैं छोटा जा गुलाब जा नोट, तरीक ना करें। हदिया पहला फल दही की तीनों चीजें बगैर तरीक किए हुए, क्योंकि उसकी शान के मुताबिक जो उसकी इज्जत है, जो उसका एहतराम है, उससे के हिसाब से दे। जैसे हम किसी के घर जाते हुए बताया कि ध्यान रखते हैं कि किसके घर जा रहे हैं, इसको कौन सा नोट देना है, कैसे किस गिफ्ट से इसको नवाजना है, कितना महंगा चीज देनी है, कितनी इज्जत देनी है, उसके हिसाब से, इससे बढ़कर हमने खुदावंद अपने खुदा को इज्जत, लचारी नहीं करनी, दरेग नहीं करना, क्योंकि खुदावंद खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। उसी बात सब कुछ किसका है, चांदी उसकी सोना उसके लिए लिखा हिजी उसका दूसरा बाप और उसकी आठवीं आयत में लिखा है, चांदी मेरी है सोना मेरा है, कौन फरमाता है, ऐ हार मेरा है मैं लिया है कि नेदर एमी ऐसी दस तेरे नहीं नेदर लिया है। तो ये किसका है, सब कुछ उसका है, चांदी भी उसकी है सोना भी उसका है, कौन फरमाता है, रबल फवाज फरमाता है। तो हमारा क्या है, हम उसके हैं, तो फिर हम उसके तो हैं, सारा कुछ नहीं ना, देर होता है हर चीज होती है, चंदे है दिए दिए हेल्प कर दी गरीब दी बारी दी, फिर सारा कुछ होता नहीं, फिर सारा कुछ सारा उन्होंने ही दे जाइए, तो फिर सारा कुछ तो ना ना हो, नहीं उस गरीब की बात नहीं कर रहा, जो जो इस लायक है, जो यतीम है, जो वाकई गरीब है, उसके पास इनकम का कोई तरीका नहीं है, वैसे हकदार को दे दो। सारे गरीबों ने क्या तुम्हें खा लग भाई कि सारे जो आप समझते इसको देना चाहिए, जो गरीबों मस्कीनों पर रहम करता है वो खुदावन को कर्ज देता है, उसका डबल वहां पर मिलेगा। तो चांदी उसकी है और सोना भी उसका है, हमारा कुछ भी नहीं, दे तो प्रॉपरली अच्छे तरीके से दे। अब आखिरी इंतबाह, इंतबाह क्या होती है, खुदावंद को बुला देने के लिए खिलाफ इंतबाह, इंतबाह क्या होती है जी, प्रिकॉशन, खंबे लगे वेखे ने ना ना तन पुछ काम है ना वापदा च, ओद एक साइन बोर्ड लाते हो इन्हें वोल्टेज ने, ओद एक तस्वीर से कांडा क्यों लाया हमने कि इंज हो जाओगे हाथ लाओगे तो थले लिखा होता है इंतबाह,
dangerous english ch thale urdu ch intibah liya de utte tasveer banai ke ajde ho jo inne voltage da chakka lage aur intibah aaya khudaon ki taraf se aakhri baat karunga dikhane mere sath is tisna 8va baat 70 aur 88 ayat mein intibah hai jo ab aakhir mein khudaon ne di hai ayat number 70 aaya aur aisa na ho ke tum apne dil mein कहने लगे कि मेरी ही ताकत और हाथ के जोर से मुझको ये दौलत नसीब हुई है। ऐ नहीं कहना कि कमाना तो मैं अपने वास्ते हूं, मैं अपनी ताकत नाल कमा रहा, ऐ दौलत जड़ी मैं कमा रहा मैं अपनी ताकत से कमा रहा, मेरे हाथ की कमाई है। लेकिन ऐसा ना हो कि तुम अपने दिल में ऐसा सोचे कि ये मेरी ताकत से है, ये मेरे हाथ के जोर से है और ये दौलत मेरे नसीब में है, मेरा नसीब मैं खुदा दे रहे है, ये मेरी ताकत है, मेरे हाथ का जोर है, मेरी कुवत है। ऐसा दिल में नहीं सोचना। क्यों नहीं सोचना? ये तो बस सोचने मकान चंगा बना लिए ना मकान ते कुआजा पिंडो हाथ कितने मारने हैं। मैं बनाया, बड़ी मेहनत की थी, कमेटियां फलाना फलाना बड़े मैं बनाया। ते बंदा मर जाए ना, कोई फौत हो जाए किसी अपनी वजह से नशा करते हुए, तो खुदा दे पा देने, खुदा की मर्जी। मकान चंगा बना के हाथ कितने मारना? मैं अपनी छाती पे, अपनी ताकत पे, अपने हाथ की कमाई पे, अपने सीट की दौलत पे हाथ मारना। लेकिन बंदा सारा टाइम नशा करता, जिंदगी नशे से गुजर गई, तो कितने दे पा देने हैं? खुदा ने क्या, खुदा की नहीं ना चाहता, उसको किसने समझाया नहीं, वो मरा अपनी वजह से, पा कितने दे देता है वो जरा सोचते हैं चलो खुदा की मर्जी। चंगे काम अपने थे और मारे तो ये इसी बात का है कि अपने हाथ के जोर पर और अपनी दौलत जो तेरे नसीब में उस पर प्यार नहीं करना, दिल में सोचना भी ना कि ये मेरी वजह से, मेरे जोर से, मेरी ताकत से है और ये मेरे नसीब में थी, मुझे मिलनी और 18वीं आए। बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसे जिसकी कसम उसने तुम्हारे बाप दादा से खाई भी कायम रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। आज आप पर जाहिर कर दिया है जो मैं तुझे दे रहा हूं। तू अपनी ताकत से नहीं कमा रहा, तू अपनी ताकत से नहीं कमा रहा, ये ना तो अपने हाथ के जोर से कमा रहा है, ना अपनी तू ताकत से, बल्कि ना ये सोच के तेरे नसीब में लिखी हुई थी जो तुझे मिलनी थी ये दौलत, नहीं, बल्कि ये क्या, बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रख, वही तुझे दौलत हासिल करने की क्या देता है। अगर वो कुवत ही ना दे तो हम मेरे से कमा नहीं सकते, अगर वो कुवत ही ना दे तो हम नौकरी पर जा भी नहीं सकते, अगर वो कुवत ना दे तो हम कुछ भी कर नहीं सकते, ना अच्छा मकान बना सकते हैं, ना बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला सकते हैं, ये उसकी कुवत। इसलिए कहता है खुदावंद, कहता है याद रख कि ये ताकत दौलत हासिल करने की कौन देता है? मैं देता हूं। और फिर लिखा है उस शहर के मुताबिक जो बनी इसराइल से उसने किया, जो आदम और हवा से किया, जो बाप इब्राहिम से किया, जो बाप यकूब से किया, जो दाऊद से किया, जो हजरत मूसा से किया, जो उसने अपने बंदों के साथ तब से लेकर आज तक करता है उस ऐत के मुताबिक, क्योंकि खुदावंद का कलाम ला तब्दील है, वो कभी नहीं बदलता। खुदावंद का कानून एकदम वही है जो पहले लिख दिए गए, वो आज भी है। इसलिए आज हम पर जहर करता है, अरे मेरे लोगों, मेरी कलीसिया, अपने ऊपर दौलत हासिल करने के लिए ये ना को कि ये मेरी ताकत से है। ये किसकी है? अगर मैं तुझे ना ताकत दूं तो तू कुछ भी नहीं कर सकता, बल्कि बात चले कि तू दौलत हासिल नहीं कर सकता। तो याद रखें ये तीन स्टेप्स जो हैं ये खुदा की लिए बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे भी बरकत पाए और ऊपर भी माल जमा करें, क्यों ऊपर माल जमा करना है? क्योंकि वहां क्या नहीं करता, वहां पे क्या नहीं होता,
चोर नकब नहीं लगाते, कुछ डर नहीं, इसको उल्ली इनू खा जाएगी, कीड़ा टोक जाएगा, कुछ चूहे टोक जाएगी, कुछ भी नहीं उस पर आसमान पर जमा करा, जहां पर ना जंग है ना कीड़ा है, क्योंकि आसमान अच्छा खजाना है, वो अच्छा बैंक है, हेवंस बैंक में जमा करवाए। और इसके लिए जमा करवाने के लिए तीन बातों को अपने दिल में रखें, तीनों करनी बहुत जरूरी है, तब हम बरकत पाएंगे, तब हमें जाकर ऊपर यहाँ भी बरकत मिलेगी और आने वाले जमाने में भी हमें बहुत सारा माल मिलेगा। तो आए मेरे जीजो, अपने आप को तैयार करें इस बात के लिए कि मैंने ये तीनों बैंक बातों को, जो बैंक हेवन बैंक की बातें हैं, हेवन बैंक की बातें हैं, इसको अपने अंदर लेना और तीनों को फॉलो करना, एक को नहीं बल्कि तीनों को फॉलो करना है। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन।